झज्जर के बहुत से गांवों में, प्रदेश के बहुत से गांवों में ओलावृष्टि से व्यापक नुकसान हुआ है। मेरे पास कई गांवों के टेलीफोन आया था, केड़ी मदनपुर साइड में जो है, कई गांव के, मैं के गांव का नाम नहीं ले रहा, सभी गांवों में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी के आदेश देते हुए मुआवजा दे किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक किसानों की घाटिया सब। और इसमें दो बातें हैं कि 21 और 22 का मुआवजा नहीं बटा है, किसान अलग अलग प्रदेश में मुआवजे को लेकर धरने पे बैठने मजबूर हैं। सिरसा किसान बैठा है धरने पे मुआवजे को लेकर, फसल की खराबी के मुआवजा। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बार जो है जहाँ जायज़ मुआवजा बनता है वहाँ नहीं मिल रहा, और जो कंपनियाँ जो फसल बीमा योजना दे रही हैं किसान से प्रीमियम भरवा के, उन कंपनियों का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, हर साल की प्रॉफिट्स देखेंगे, तो वो देश की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में शामिल हो गई हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा तो उसमें शामिल हो गई हैं। तो ये सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन कंपनियों के प्रॉफिट के हिसाब से सरकार ना चले। किसान क्योंकि प्रीमियम भर रहा है, किसान को नुकसान वहाँ भी ना होना दे, और जहाँ मुआवजा बनता सरकार सीधा मुआवजा दे। मगर ये सरकार ने मुआवजे के मामले में और फसल बीमा योजना के बारे में अपनी किसान विरोधी सोच को बारी बारी प्रदर्शित करने का काम किया है सत्य जी। और आपका साथ ही जवाब देते हुए कि जो आरोपित मंत्री है संदीप सिंह, जब उस मंत्री को भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में बैठने की के लिए जो है उनका स्थान नहीं है, तो विधानसभा में और कैबिनेट में क्यों बिठाया हुआ है? अगर खेल मंत्री पे खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप होगा तो वो खेल मंत्री खिलाड़ियों में कैसा विश्वास का संचार करेगा? इसीलिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नजर आता है। हरियाणा की खिलाड़ी, हमारी बेटी, हमारी बहनें, उनकी इज्जत भी किसी की इज्जत है देश में, उन लोगों को जंतर मंतर बैठना पड़ा, खेल मंत्री को वहीं जाना चाहिए था उनके पास, मगर खेल मंत्री तो खुद आरोपित हैं इन आरोपों को लेकर, इतने गंभीर आरोपों को लगा के। मैं कहता हूँ कि देश की कोई भी बेटी पूरे देश की बेटी है, वो किसी एक प्रदेश की बेटी नहीं होती, या किसी और दृष्टि से उस बेटी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है बेटियों की इज्जत को भी जो है ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये एक प्रदेश से हैं, जो भाजपा के एक सांसद जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने जैसे कहा, ये स्वीकार्य नहीं है। खेल मंत्री हरियाणा के, सबसे पहले इनका इस्तीफा हो, इनके खिलाफ़ निष्पक्षता से जांच हो। जब तक ये कैबिनेट में बने रहेंगे निष्पक्ष जांच का क्या सवाल है, हमारी मांग है। मगर दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय पे बहुत ही जो है एक जैसे दुर्भाग्यपूर्ण एक उनका एक स्टैंड हो गया है कि वो उनका बचाव में खुद ही मुख्यमंत्री जी आ गया है, ये सही नहीं, क्योंकि मीडिया सत्ता बल उनके पास है, धन बल उनके पास है। वो तो जो है मैं समझता हूँ कि मैं भी 18-19 साल सांसद हूँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा संसद, देश की सरकारी संसद नहीं चलना, सत्ताधारी संसद नहीं चलना देना चाह रही, वो ही नहीं चला रहे, क्योंकि वो निशाने पे ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक भाजपा पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि एक बड़े उद्योगपति घराने को फ़ायदा पहुँचाने का आरोप राहुल जी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने लगाया। ये हर प्रदेश में हुआ है, हरियाणा प्रदेश उदाहरण में देना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश में आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा सरकार, तो इसी समूह के साथ, एक अदानी समूह के साथ 2.94 रुपये यूनिट पे 25 साल का समझौता हुआ था। सरकार बदली तो पहले वो समझौता जो है बिजली देनी बंद कर दी, और प्रदेश सरकार को 11 रुपये यूनिट तक बिजली लेनी पड़ी। तो वो नुकसान हरियाणा प्रदेश के लोगों का और फ़ायदा किसका? और उस पर हम ये कहें कि भाई ये इंक्वायरी तो हो कि बंद क्यों की, और उसके बाद प्रदेश सरकार ने आप बंद कर दो, सरकार से समझौता करके दिखाओ, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्यों ऐसे हर प्रदेश में ऐसे एक ही उदाहरण आ रहे हैं सामने, ये एक बड़ा एक प्रश्न है। ये इस प्रश्न को उठाया जॉइंट पांच, देश के विपक्ष मांग कर रहा है कि तमाम प्रदेशों में इस तरह की बातें हैं, तो इन बातों को लेकर जाँच और निष्पक्ष और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि जो जाँच एजेंसीज़ हैं वो उन पे भी लोगों का विश्वास सा नहीं टिक रहा। तो ये एक मांग है, देश का विपक्ष ये मांग कर सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तब से जब से मांग करी है देश की सरकार, पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ 18-19 साल के संसदीय जो है अनुभव में, कि देश की सरकार ही जिस दिन से ये मांग उठाई है उस दिन से सरकार सदन को नहीं चलने देना चाह रही।
ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य, पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो उसको लेके देश के लोगों को चिंता है, जो लगातार वहाँ पे किलिंग्स का दौर चल रहा है, लोग गैंगस्टर लोग जेलों में बैठ के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बहुत से लोग जो है देश में दरार पैदा करने वाली बातें भी कह रहे हैं खुल के, और कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पे ख़राब हो रही है, वहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए।